और आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत और अभिवादन करता हूँ। और आप सब वे जो इसे सुन रहे हैं इस बाइबल अध्ययन को, आप सबका स्वागत है बाइबल अध्ययन के इस समय में। And I pray that our studies will benefit hundreds and thousands of people. और मेरा प्रार्थना यही है कि हमारी ये अध्ययन हजारों और सैकड़ों लोगों की सहायता करे उनके आत्मिक जीवन में। I request all our listeners to let others know about these studies and encourage them to join it. और मैं चाहता हूँ हमारे सुनने वाले और भी लोगों को इस बाइबल अध्ययन के विषय में बताएं, उनके संग इस विषय में बांटें। We are at present studying Paul's letter to Corinthians, the first letter. और हम पौलुस की पहली पत्री को, जो कुरिंथ की कलीसिया को लिखता है, उस पर अपने अध्ययन को रखे हुए हैं। And we are now, in fact, in chapter 12. और हम 12वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं। Chapter 12 talks about the gifts of the Holy Spirit and their operation. और 12वां अध्याय बात करता है पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में और कैसे ये वरदान परमेश्वर के लोगों या विश्वासियों के जीवन में दिखते हैं। These studies are important for today because the confusion and misunderstanding and misinterpretation of especially concerning the gifts of the Holy Spirit has created a lot of confusion. और ये बड़ा ज़रूरी है इस अध्याय का अध्ययन, क्योंकि पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में कई सारी समस्याएं, कई सारे प्रश्न विश्वासियों और कलीसियाओं के पास हैं। There was confusion and problems in Corinthian church. और कुरिंथ की कलीसिया में भी ये समस्याएं और सवाल मौजूद थे। And this confusion and misunderstanding exist even today. और यही समस्याएं और प्रश्न आज के दिन की कलीसिया में भी मौजूद हैं। So it is important for us to understand everything clearly as the Word of God teaches us. और इसलिए ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम इन बातों को स्पष्ट रीति से समझने पाए जैसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता और बताता है। See, you must understand. आपको इस बात को समझना है। That in the early church there were Jewish Christians as well as Gentile Christians. कि पहली सदी की कलीसिया में यहूद मसीह और गैर यहूदी मसीह दोनों पाए जाते थे। And in Corinthian church especially there was a large number of Gentiles who came out of heathen religions. और कुरिंथ की कलीसिया में खासकर ऐसे कई सारे विश्वासी थे जो गैर यहूदी विश्वास से आए थे। And so they did not have any background of Christianity before they came to the faith. और उनके पास मसीहत का कोई पृष्ठभूमि नहीं था। And in Corinth, therefore, some of the believers had used counterfeit gift to imitate the real gifts. और इसलिए कई सारे विश्वासियों ने सच्चे वरदानों की नकल करने के लिए जो अपनी आदतें थी उनको लेकर वो वरदानों की नकल करने लगे। And had misused the gift and ended up not worshippers of God but worshipping in a meaningless way. और इस तरीके से वो परमेश्वर की आराधना की बजाय अर्थहीन आराधना करने लगे। And how often we see some counterfeiting some gifts which does not lead to worship of God. और कितनी बार हम ऐसी नकल को देखते हैं जो परमेश्वर की आराधना में सहायता नहीं करती। But the focus is on the person. लेकिन उसका पूरा ध्यान उस व्यक्ति पर है। And I have given you certain scripture passages for you to read. और कई सारे वचनों को मैंने आपको दिया कि आप उन्हें पढ़िए। And I hope you have read them at home. और मुझे पूरी आशा है कि आपने इन वचनों को अपने घरों में पढ़ा है। And we are therefore talking about the dangers of speaking false of dangers that existed because of this confusion. और हम बात कर रहे हैं उन खतरों के विषय में जो इस नकल के द्वारा पैदा होते हैं। So the first of this danger was the danger of being carried away to false worship. और जो पहला खतरा था वो ये था कि हम झूठी आराधना में लग जाएं। And today
और आज के दिन we will consider the second danger, हम दूसरे खतरे की ओर देखेंगे, which is there is the danger of speaking false messages. और एक खतरा है कि हम झूठे संदेशों को बोलें. Let us look into 1 Corinthians chapter 12. और आइए पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय की ओर हम देखें. Verse 3. और तीसरा वचन. Verse 3 says. और तीसरे वचन में लिखा है. So I tell you that no one who is speaking with the help of God's Spirit says, Jesus be cursed. इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। And no one can say Jesus is Lord without the help of the Holy Spirit. और ना ही कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। And so the reason Paul wrote this verse is because there was this danger going on in Corinthian church. और पौलुस जिस कारणवश पौलुस ने इस वचन को यहाँ पर लिखा क्योंकि यही खतरा कुरिन्थ की कलीसिया में मौजूद था. And Paul begins by saying that the gifts of the Holy Spirit and their manifestations exalt the Lord Jesus Christ. कि ये आत्मिक वरदान और उनका प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाता है. And make him the Lord of his church. और अपनी कलीसिया का प्रभु उसे ठहराता है. And very often that doesn't happen. लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता. Somebody who has certain gifts. और कुछ लोगों के पास मान लीजिए अगर कोई वरदान हो. And in the operation of these gifts, they have a tendency to draw the attention of people to himself rather than to Christ himself. और इन आत्मिक वरदानों का प्रयोग करने के लिए वो लोगों का इन आत्मिक वरदानों का प्रयोग करते हैं कि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचे ना कि परमेश्वर की ओर. The standard of the works of the Holy Spirit is the exaltation of Jesus Christ and his person. और पवित्र आत्मा के काम करने का तरीका या काम आत्मिक वरदानों के काम करने का तरीका ये है कि वो उनके द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं. And not only to his person, और ना केवल उसके व्यक्तित्व की ओर, but his presence, लेकिन उसकी उपस्थिति, and his power, और उसका सामर्थ, and his praise, और उसकी स्तुति, and his righteousness, और उसकी धार्मिकता. So the Holy Spirit's real job is to exalt the Lord Jesus Christ as the head of the church, and he is prominent. और इसलिए पवित्र आत्मा का काम यह है कि वो प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया के सिर के रूप में अगुवे के रूप में स्थापित करे और उसके नाम को ऊंचा उठाए. And so the question is, और सवाल ये उठता है, what is actually the function of the Holy Spirit? वास्तविक में पवित्र आत्मा का कार्य है. इट इज, और ये कार्य है, दैट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ थ्रू हिज पीपल मिनिस्टर्ड टू हिज ओन पीपल बाय द होली स्पिरिट. कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के द्वारा अपने लोगों के बीच में सेवा करता है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा. एंड सो द पीपल बिकम मोर अवेयर of the presence and the power and the reality of the risen Lord Jesus Christ. और लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति उसके सामर्थ्य की वास्तविकता का जानने और पहचानने और अनुभव करने पाते. So regarding the gifts, you must understand this point. और वरदानों के विषय में इस बात को आपको समझना है. This is the purpose of the gifts of the Holy Spirit. ये उद्देश्य है पवित्र आत्मा के आत्मिक वरदानों का. And the way these gifts are to be used. और जिस तरीके से इन वरदानों का प्रयोग करना है. And so let us be able to distinguish spirits, which is very important. और आइए हम देखें आत्माओं को कैसे परखना है क्योंकि ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है. A genuine prophet. और एक सच्चा भविष्यवक्ता. A genuine believer. एक सच्चा विश्वासी. Through whom the gifts are being operated. जिसके द्वारा ये पवित्र आत्मा के वरदान प्रकाशित होते हैं. Please understand. कृपया करके इस बात को समझिए. The gifts of the Holy Spirit is manifested by the power of the Holy Spirit himself. आत्मिक वरदानों का प्रकाशन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा होता है.
And because I am used of the Holy Spirit, और क्योंकि पवित्र आत्मा मेरा प्रयोग करता है, that doesn't mean I am more important and more prominent than the rest of the members. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण या ज़्यादा ऊँचे स्थान में हूँ दूसरे विश्वासियों से. The Holy Spirit can use anybody. क्योंकि पवित्र आत्मा तो किसी का भी प्रयोग कर सकता है. And He is the one who chooses men and women through whom He decides to manifest Himself. और पवित्र आत्मा ही है जो पुरुषों और महिला और लोगों को चुनता है कि उनके द्वारा अपने आप को प्रकाशित कर सके. And so, ignorance of this truth और इस सच्चाई को ना पहचानना can and will lead us to the danger of conveying false messages to the people. इस सच्चाई को ना पहचानना हमें ले जा सकता है इस बात की ओर कि हम लोगों तक गलत या झूठे संदेश को पहुंचाएं. Please understand this. कृपया कर कर इस बात को समझिए. Who is getting all the attention? कि किसे सारा ध्यान मिल रहा है? The Holy Spirit or the person through whom the Spirit was trying to minister? पवित्र आत्मा या वो व्यक्ति जिसके द्वारा पवित्र आत्मा काम करता है. Now, you know, verse 3. और तीसरा वचन बताता है. Makes it apparent that someone in the church at Corinth spoke in tongues. कि कुरिन्थ की कलीसिया में किसी ने अन्य भाषा में बात किया. And distorted the great truth that Jesus is Lord. और उस महान सत्य में मिलावट कर दी, मिश्रण कर दिया कि प्रभु यीशु ही खुदा है. For example, उदाहरण के तौर पर, what this person conveyed to the people is, ये व्यक्ति जिस इस व्यक्ति ने लोगों को ये बात कही, he took what Paul said in Galatians. और उसने उसी बात को उठाया जो पौलुस गलातियों की पत्री में कहता है. Jesus became a curse. कि यीशु मसीह एक श्राप बन गया. Curse for us. हमारे लिए. This we read in Galatians chapter 3 verse 13. और इसको हम पढ़ते हैं गलातियों की पत्री तीसरा अध्याय 30वें वचन. And the person said something to the effect. और इस व्यक्ति ने इस बात को इस प्रभाव से कहा. That Jesus be cursed. कि यीशु मसीह श्रापित है. Now there is a lot of difference. लेकिन इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है. But the person who is trying to draw attention to himself, लेकिन वो व्यक्ति जो अपनी ओर ध्यान खींचना चाहता है, is not led by the Holy Spirit, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसका नियंत्रण नहीं किया जाता, to speak the right thing, कि वो सही बातों को बोले. But when he spoke it, लेकिन जब वो बोलता है, he said Jesus be cursed, तो वो कहता है यीशु मसीह श्रापित हो. Paul is very emphatic in proclaiming that this is not the Holy Spirit. और पौलुस इस बात को बड़ी ऊंची और स्पष्ट आवाज में बोलता है कि ये पवित्र आत्मा नहीं है. Jesus becoming a curse for our sake, कि यीशु मसीह हमारे लिए एक श्राप बन गया, is not the same as the expression Jesus be cursed. वो उस वाक्य के समान नहीं है, ऐसे एक समान नहीं है जब एक व्यक्ति ये कहता है कि यीशु श्रापित है. The point is very clear. और ये बात बड़ी साफ और स्पष्ट है. Every believer must be careful. हर एक विश्वासी को सावधानी रखनी है. Not to speak or proclaim a false message. कि वो एक गलत संदेश की घोषणा ना करे और ना ही उसे बोले. Because of this, क्योंकि इसके कारण, let me make one thing very clear. एक बात को मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं. Simply because someone came in the name of a prophet, just क्योंकि कोई एक व्यक्ति यीशु के नाम में या भविष्यवक्ता के नाम में आपके पास आया, it doesn't mean that whatever comes out of his mouth is the Holy Spirit. इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ उसके मुंह से बाहर निकले वो पवित्र आत्मा. Therefore, the believers themselves need to be absolutely familiar with the passages and messages of the Bible. और इसलिए विश्वासियों को बाइबल के हर एक अध्याय और वचन से खुद को जानना और समझना है. What a believer proclaims must be of God. और जो जिस बात की घोषणा एक विश्वासी करता है वो परमेश्वर की ओर से हो. And must be the truth of God. और वो परमेश्वर का सत्य होने पाए. We have enough false messages. हमारे पास बहुत गलत सारे संदेश हैं. Where? कहाँ? Not in the Bible. बाइबल में नहीं. In the world. लेकिन संसार में. And very often, और कई बार, certain expressions we used and we take it for granted that it is in the Bible. कि हम इस बात को लेते हैं हल्की रीति से कि कई सारी चीजें बाइबल में हैं.
मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, देयर इज अ कॉमन एक्सप्रेशन सेइंग गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प्स देमसेल्फ्स, कि अरे एक बड़ी साधानी, एक साधारण सा कहावत है कि परमेश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता करता है। And they speak as if it is in the word. और वो ऐसे बोलते हैं जैसे वो बात बाइबल में है। It is not in the word. वो बाइबल में नहीं है। And there are so many things like that. और ऐसे ही कई सारी और बातें हैं। And we take it for granted that it is in the word. और हम इस बात को मान लेते हैं कि अरे हाँ ये होगा वचन में। For example, उदाहरण के तौर when the wise men came, जब वो ज्ञानी लोग वहां पहुंचे, and our children think that it is in the Bible that there were three wise men. और बच्चों को ये लगता है कि वहां पर तीन ये ज्ञानी पुरुष या मजूसी थे. And many grown-ups believe that. और बड़े हुए कई सारे बड़े लोग इस बात पर. But nowhere in the Bible it says there were three wise men. लेकिन बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि तीन ज्ञानी पुरुष या मजूसी वहां थे. It uses plural form by saying wise men came. लेकिन वहां पर तो बहुवचन का प्रयोग किया गया ये बताने के लिए कि एक से ज्यादा ज्ञानी पुरुष वहां थे। And I guess it is because they brought three kinds of gifts. और वो इसलिए इस बात की को कहते हैं कि तीन प्रकार के तोहफे वहां मौजूद हैं। But there is no proof that there are only three. लेकिन ये इस बात को साबित नहीं करता कि सिर्फ तीन ही लोग वहां मौजूद थे। There could have been seven. हो सकता है सात हो। Or five. या पांच हो। We don't know. हमें नहीं पता। Some wise men came. लेकिन कुछ ज्ञानी पुरुष आए। And let us be very careful how we use these worldly expressions to convey to someone that God's word says so. और इसलिए आइए हम बड़े संवेदनशील हो जाएं कि कैसे हम इन वचनों को दूसरों तक बोलते हैं और कैसे हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं। And so the point is very clear. और इसलिए बात बड़ी सीधी और स्पष्ट है। Every believer must be careful. हर एक विश्वासी को सावधानी बरतनी है। Not to speak or proclaim a false message. कि वो किसी झूठे संदेश की घोषणा ना बोले ना करें। What a believer proclaims must be of God and must be the truth of God. और जो किसी बात की घोषणा एक विश्वासी कर है वो परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर की बातें हों। And as I said, there are enough messages in the world. और जैसे मैंने कहा कि संसार में कई सारे संदेश मौजूद हैं। Messages that leave people hopeless beyond the grave. और ऐसे कई सारे संदेश जो लोगों को आशाहीन बना देते हैं और उस कब्र के परे। The world needs to hear a message of hope. लेकिन संसार को आवश्यकता है कि वो एक आशा के संदेश को सुने। A hope beyond this life. कि एक आशा है इस जीवन के परे। And a hope that gives us a look beyond the grave. और एक ऐसी आशा जो हमें कब्र के आगे बढ़कर देखने दे। That's a message the Bible speaks. और यही वो संदेश है जिसके विषय में बाइबल बात करता है। And the world must hear the message of the gospel. और संदेश को संसार को इस सुसमाचार के संदेश को सुनना है। It begins where? और इसकी शुरुआत कहाँ होती है? It begins when we hear someone say that God sent His Son. कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। And Jesus came. और यीशु आया। That all men might be saved and have eternal life. कि और सारे लोग बचा लिए जाएं और सबके पास अनंत जीवन हो। That is the truth of the Bible. और यही सत्य है इस बाइबल का। It is time for false messages and untruth to cease flowing from lips of people of God. और ये समय है कि झूठे संदेश और झूठ की बातें गलत संदेश परमेश्वर के लोगों के मुख से रुकने पाए। And so we need to be very careful. और इसलिए हमें बड़ा सावधानी बरतनी है। And such people who bring false messages, और ऐसे लोग जो झूठे संदेशों को लेकर के आते हैं, are counterfeiting the gifts of God's spirit. वो परमेश्वर की आत्मा के तोहफों का वरदानों का नकल करने की कोशिश करते हैं। Therefore, और इसलिए, a believer must guard himself or herself against two deceptions. एक विश्वासी को अपने आप को बचाना है, सुरक्षा करनी है दो प्रकार के धोखों से। And especially when dealing with the spiritual gifts. खास रीति से जब आत्मिक वरदानों की बात हो। And the spiritual truth. और आत्मिक सत्यों की बात हो। Second Corinthians chapter 12 verse 6. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 6वां वचन। And also Ephesians chapter 4 verse 25. और इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय 5वां वचन। 12 verse 6. और 12वां अध्याय उसका 6वां वचन। And there are different ways that God works in
people. That is First Corinthians. You said Second Corinthians. First Corinthians. I'm sorry. First Corinthians. और पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 6 छठा वचन. And there are different ways that God works in people. People. But it is the same God who works in all of us to do everything. और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है. And then again Ephesians chapter 4. उसके बाद इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय. Verse 25. 25वां वचन. इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं. Verse 25. So you must stop telling lies. You must always speak the truth to each other. Hallelujah. That is the message. और यही संदेश है. And so the first point, first deception is. और पहला धोखा ये है. Making a statement or proclaiming a message that is not the truth of God or His Word. एक ऐसे संदेश को बोलना या घोषणा करना या एक ऐसे वाक्य को बोलना जो परमेश्वर का वचन है ही नहीं. And the second deception is. और जो दूसरा धोखा है. Either becoming or sitting under a person who counterfeits the gifts of God's Spirit. एक ऐसे व्यक्ति के जैसा बनना या उसके संग बैठना जो परमेश्वर के वरदानों की नकल करने की कोशिश करता है. And many people are deceived. और कई सारे लोग इस कारण धोखा खाते हैं. And these people themselves who comes in the name of prophets or visionaries, they themselves are living in deception. और ये लोग जो नबी प्रेरित के नाम से और उपाधियों से आते हैं, ये खुद अपने आप में धोखे में जी रहे हैं. So let us look a few passages. आइए कुछ वचनों की ओर हम देखेंगे. First John chapter 4. और पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय. Verses 1-3. और पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक. हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं. परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं. और वही तो मसीह विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है. First Timothy chapter 4. और पहला तिमोथियुस उसका चौथा अध्याय. Verses 1-2. और उसका पहला और दूसरा वचन. The Spirit clearly says that in the last times, some will turn away from what we believe. और आत्मा स्पष्ट रीति से इस बात को बताती है कि अंत के दिनों में कई अपने विश्वास से पलट जाएंगे जिन बातों पर हम विश्वास रखते हैं. They will obey spirits that tell lies. और वो ऐसी आत्माओं पर विश्वास करेंगे जो झूठ बोलती हैं. And they will follow the teachings of demons. और वो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा का अनुकरण करेंगे. Those teachings come through people who tell lies and trick others. These evil people cannot see what is right. And what is wrong? और ये बातें आती हैं उन झूठी आत्माओं से, क्योंकि ये व्यक्ति इन बातों को नहीं देख सकते कि क्या सच है, क्या दुष्टता है और क्या सही है. It is like their conscience has been destroyed with a hot iron. ये तो इस समान है कि मानो उनका विवेक जलते हुए लोहे के से नाश कर दिया गया है. Then Second Peter. और उसके बाद दूसरा पत्रस. 2:1. दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और उसका पहला वचन. जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप
छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। Now, all these three passages we just read, और ये तीनों वचन के भाग जो हमने अभी पढ़े, what is the lesson? क्या शिक्षा यहाँ से मिलती है? It is a warning against false prophets and false teachers bringing false messages in the name of the Holy Spirit. ये चेतावनी है झूठे भविष्यवक्ता, झूठे अगवों, झूठे प्रेरितों के नाम में जो झूठे संदेशों और भविष्यवाणियों को परमेश्वर के नाम में लाते हैं। So when they are not moved genuinely by the Holy Spirit, और जब वो सत्य में पवित्र आत्मा से उनका चलन नहीं किया जाता, but speak their own message, लेकिन वो अपने संदेशों की घोषणा करते हैं, making an impression that they are speaking the word of God, और इस बात को दिखाते हुए कि वो परमेश्वर का वचन बोलते हैं, they are deceiving the listeners. तब वो सुनने वालों को धोखा देते हैं. And many among the listeners may not be very familiar with the scripture. और हो सकता है कई सुनने वालों में से वचन को सही रीति से वे जानते ना हैं. So instead of them believing a truth and a genuine revelation, और इसकी बजाय कि वो सत्य और एक सही प्रकाशन पर विश्वास करें, they go home believing a false lie. वो घर जाते हैं झूठ पर विश्वास करते हुए. They are deceived. और उन्हें धोखा मिलता है. And the people who are deceiving in this way, और ऐसे लोग जो इस तरीके से धोखा देते, they themselves are living in deception. वो खुद धोखे में जी रहे हैं. When you are not moved by the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं जाते, and when you misquote a scripture verse, और जब आप एक वचन को गलत रीति से बोलते हैं, to quote your own ideas, अपने विचारों को बताने के लिए, you are living in deception and you are deceiving others. तब आप धोखे में जी रहे हैं और दूसरों को धोखे में रखते हैं. So we need to be very, very careful. और इसलिए हमें बड़ी सावधानी बरतनी है. Let us be very careful what we listen and whom we listen. और इसलिए हम बड़ा सावधानी बरते कि हम किसे सुनते हैं और क्या सुनते हैं. Believers need to be very discerning and discreet in their discernment. और विश्वासियों को एक परख का आत्मा अपने पास रखना है कि वो जाने परखें और जांचे. So don't be deceived. और इसलिए धोखा ना खाएं. And for that you yourself must be very thorough in the knowledge of God. और उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ना होगा. The Bible is very plain and clear. और क्योंकि वचन तो बड़ा स्पष्ट है. Anyone can study it. और कोई भी इसे पढ़ सकता है. And that is the responsibility of the believers. और यही विश्वासियों की जिम्मेदारी है. The third deception is, जो तीसरा धोखा है, there is the danger of speaking the truth apart from the Holy Spirit. आप सत्य को बिना पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते हैं. Again, verse 3 of this 12th chapter of 1 Corinthians. पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय तीसरा वचन. The word here, Lord, is curious. और जिस शब्द का प्रयोग यहाँ पर प्रभु के लिए किया गया है, उसका यूनानी अनुवाद है curios. And this word refers to God Himself. और इस शब्द का मतलब है परमेश्वर खुद. He is the same God who is proclaimed throughout the scriptures. और ये वही परमेश्वर है जिसकी घोषणा इन वचनों के द्वारा और वचन के द्वारा की जाती है. And the scriptures project him as the sovereign Lord of the universe. और ये वचन उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में प्रकाशित करता है. What does it mean to call Jesus Lord? और इसका क्या मतलब है जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु कह करके बुलाते हैं? To call Jesus Lord is to acknowledge the deity of Jesus. और जब हम यीशु को अपना प्रभु कह करके बुलाते हैं तो हम उस बात की पहचान करते हैं कि वो सच में परमेश्वर है. That he is God himself. क्योंकि वही परमेश्वर है. So what is Paul's point here? और यहाँ पर पौलुस क्या कहना चाहता है? Paul's point here is, पौलुस की बात ये है, No one can please God by calling Jesus Lord apart from the Holy Spirit. कि कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहकर बिना पवित्र आत्मा के. And anyone who hear this expression
can say, ah, Jesus is Lord. और कोई भी जो इस वाक्य को सुनता है वो आसानी से कह सकता है कि हाँ यीशु प्रभु है. But that doesn't mean he is speaking of this by the Holy Spirit. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा ये कहता है. Speaking the words Jesus is Lord is easy. और ये कहना सिर्फ शब्दों को कहना कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है ये आसान है. But in order to please God, लेकिन इसके लिए कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करें, one must acknowledge in his heart and life that Jesus is Lord. एक को अपने जीवन में इस बात को पहचानना और मानना है कि सच में प्रभु यीशु मसीह प्रभु है. Otherwise, calling someone Lord is meaningless. और अगर ऐसा नहीं करते और हम उसे सिर्फ प्रभु कह करके बुलाते हैं तब तो ये अर्थहीन है. And Jesus himself warned us. और यीशु ने खुद इस बात की चेतावनी हमें दी. It is not everyone who calls me Lord, Lord. ये हर कोई वो नहीं है जो मुझे प्रभु प्रभु कह करके बुलाता है. But लेकिन it is everyone who does my command who shall have a part in the kingdom of God. लेकिन वो हर एक है जो मेरी आज्ञा को मानता है उसका भाग परमेश्वर के राज्य में होगा. So using this word Lord is common and anyone can do that. और इसलिए प्रभु कहना ये शब्द बड़ा आसान है और कोई भी कह सकता है. But don't think that everybody who says Jesus is Lord is going to be in the kingdom of God. लेकिन ऐसा मत सोचिए जो हर कोई प्रभु यीशु मसीह को प्रभु प्रभु कह करके बुलाता है वो परमेश्वर के राज्य में होगा. Have you acknowledged him and taken him as Lord of your heart? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से प्रभु और अंगीकार कर अपने जीवन में ग्रहण किया? He is the Lord of your life. क्या वो आपके जीवन का प्रभु है? Who is guiding you? जो आपका मार्गदर्शन करता है? Who is leading you? जो आपको नियंत्रित करता है? Hallelujah. Hallelujah. That happens when you genuinely acknowledge Christ as your Lord by the Holy Spirit. और ये तब होता है जब आप सत्य रूप में प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर उसे ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा. And no one can do this. कोई भी इस बात को नहीं कर सकता. Unless he is moved upon by the Holy Spirit. जब तक वो पवित्र आत्मा से उसका उसका चलाया ना जाए. Now the truth Paul is emphasizing here is this. और जो सत्य है जिस पर पौलुस ध्यान खींचना चाहता है वो ये. When a person is moved upon by the Holy Spirit to acknowledge Jesus Christ as Lord. कि जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है और वो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु ग्रहण करता है. He surrenders himself to the lordship of Jesus. तब वो खुद को प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में समर्पित करता है. And that is how we recognize that a person is a genuine prophet of the Lord. और इसी के द्वारा हम इस बात को पहचानते हैं कि एक व्यक्ति परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता है. He proclaimed Jesus as Lord. और वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर घोषणा करता है. And he project and present Jesus Christ to the people who are listening to him. और वो यीशु मसीह को दिखाता है जो जिसको जब वो लोगों के बीच प्रचार करता है और घोषणा करता है. And that means, और इसका मतलब है, a person surrenders himself to the lordship of Jesus Christ, and that means person surrender all he is and all he has. और इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में समर्पित करता है, जिसका मतलब है जो कुछ वो है और जो कुछ वो उसके पास है सब कुछ वो प्रभु को समर्पित करता है. And of course, his desire will be to serve the Lord and lift him up. और उसकी इच्छा ये होगी कि वो प्रभु की सेवा करे और उसके नाम को ऊंचा उठाए. And acknowledging him to be the sovereign majesty of the universe. और इस बात की मानना और उसकी घोषणा करना कि वो ही इस ब्रह्मांड और इस संसार का सर्वशक्तिमान प्रभु है. How great is our God. और कितना महान हमारा परमेश्वर है. How marvelously wonderfully great is Jesus Christ. और कितनी अद्भुत रीति से वो प्रभु यीशु मसीह महान है. He is the God of the universes. और वो इस संसार का ब्रह्मांड का परमेश्वर है. The very Son of God himself. और वो परमेश्वर का पुत्र. He is not someone who is been made a God by
some people. और वो एक ऐसा नहीं है जिसे किसी कुछ लोगों ने उठाकर परमेश्वर बना दिया हो. Apparently, some in Corinthian church were saying Jesus is Lord, but really not. और कुछ लोग कुरिंथ की कलीसिया में ये कह रहे थे कि हाँ यीशु प्रभु है, लेकिन वास्तविकता में वो ये नहीं मानते थे. Because he is really not converted to Christ. क्योंकि वो सत्य रूप में प्रभु यीशु मसीह के ओर उसने मन नहीं फिराया. Not committed to Christ. और यीशु मसीह के प्रति समर्पित नहीं. Such people also can say Jesus is Lord. क्योंकि ऐसे लोग भी कह सकते हैं कि यीशु परमेश्वर. But have you committed yourself to be a follower? लेकिन क्या आपने अपने आप को समर्पित किया है कि आप उसके एक अनुयायी बने? Have you surrendered yourself, not only yourself but everything that you have? क्या आपने खुद को संपूर्ण रीति से समर्पित किया है, ना केवल अपने आप को लेकिन जो कुछ आपके पास है? They were telling the truth. और वो सत्य बता रहे थे. There are so many in Corinthian church. और कई सारे कुरिंथ की कलीसिया में मौजूद. And there are so many like that in our churches. और हमारी कलीसियाओं में भी ऐसे कई सारे हैं. Sing songs that Jesus is Lord. और इस गीत को गाते हैं कि हाँ यीशु प्रभु है. But has he really surrendered himself to the lordship of Jesus? लेकिन सच में उसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में समर्पित किया? If Jesus is your Lord, और अगर यीशु आपका प्रभु है, you will commit yourself and your life to him. आप अपने जीवन को उसे समर्पित करें. And your one desire and purpose of life is to serve this Lord and lift him up. और आपका एक ही इच्छा होगा कि आप इस परमेश्वर की सेवा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं. Otherwise, इसके बिना, they were telling all these things without any commitment to the truth. वो हर एक इस बात को कह रहे थे लेकिन बिना किसी सत्य के प्रति समर्पण को किए. So what is the lesson we can learn? तो शिक्षा यहाँ से हमें क्या मिलता है? How many there are who confess the truth but are not committed to the truth. कि कितने सारे ऐसे हैं जो उस सत्य की घोषणा तो करते हैं लेकिन उस सत्य के प्रति समर्पित नहीं हैं. There are many who teach, preach and proclaim and profess the truth. ऐसे कई हैं जो सिखाते हैं, प्रचार करते हैं, घोषणा करते हैं उस सत्य की. Many prophesy और कई सारी भविष्यवाणियां करते हैं. And speak in tongue और अन्य भाषा में बात करते हैं. Yet these people never are led by the Holy Spirit. लेकिन फिर भी by the truth. ये लोग सत्य के द्वारा नहीं चलाए जाते. One can do all the above without the Holy Spirit. और एक इन सारी बातों को जो अभी मैंने बताई वो कर सकता है बिना पवित्र आत्मा के. That is the first lesson we can learn. और ये वो पहली शिक्षा है जिसे हम सीख सकते हैं. Let us read John chapter 14 verse 26. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 46वां वचन. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 26वां वचन. Yeah, go ahead and read. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा. And again, chapter 16, verse 13. और उसके बाद फिर से 16वां अध्याय 13वां वचन. परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा. So that is the first lesson. The second lesson is, और दूसरी शिक्षा ये है, sometimes envy and jealousy over the gifts of others causes a person to counterfeit a gift. कि कई बार दूसरों के वरदानों और तोहफों के प्रति जलन और ईर्ष्या रखना एक व्यक्ति को इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि वो भी उन तोहफों और वरदानों की नकल करे. So some people are genuinely filled with the Holy Spirit. कुछ लोग तो सत्य में पवित्र आत्मा से भरे हैं. They are humble. वो दीन हैं. And genuinely following and serving Christ. और सत्य रूप से प्रभु यीशु के पीछे चलते और उसकी सेवा करते हैं. And some others who are not led by the Holy Spirit to see all these things and feel very jealous. और कुछ और जो इस बातों के में नहीं चलाए जाते वो इन सब को देखते हैं और उन्हें बुरा लगता है. And out of jealousy, और वो जलन के कारण comes out
counterfeit. वो नकल करने की कोशिश करते हैं. He or she also wants to show and let people know that he or she also has. और वो व्यक्ति gift. वो पुरुष और महिला भी इस बात को दिखाना चाहते हैं लोगों कि मेरे पास भी पवित्र आत्मा का वरदान है. To counterfeit a gift is a hypocrisy. और एक वरदान का नकल करना पाखंड है. To proclaim a truth in the flesh. और एक इस समान है कि मानो सत्य की घोषणा शरीर में या देह में करी जाए. And not led by the spirit. और पवित्र आत्मा से ना चले चलाए जाएं. So I would like you to write down these verses that I am giving you. मैं चाहता हूँ आप इन वचनों को लिख लीजिए जो मैं आपको दे रहा हूँ. Matthew chapter 7 verse 21. मत्ती रचित सुसमाचार सातवां अध्याय किसवां वचन. Matthew chapter 23 verse 28. मत्ती रचित सुसमाचार तेईसवां अध्याय अट्ठाईसवां वचन. Ezekiel chapter 33. इज़ेकियल नबी की पुस्तक उसका तैतीसवां अध्याय. Verses 31 and 32. 31 और 32. So before you sleep tonight, और आज की रात सोने से पहले, I encourage you to read these three passages. मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप इन वचनों को तीन वचनों को जरूर पढ़िए. And think about it. और सोचिए. In light of what I have taught you. उन बातों को ध्यान में रखते हुए जो मैंने आपको सिखाया. So always remember. और हमेशा याद रखिए. Where there is a genuine, real thing. जहाँ पर एक सत्य बात होगी. You also will have a counterfeit. वहां पर नकल करने की कोशिश भी की जाएगी. That's what the devil does. यही शैतान करना चाहता है. Confuse people. लोगों को परेशान और भौचक्का करने के लिए. And then operate in the flesh. और उसके बाद शरीर में काम करने के लिए. There are so many who imitate speaking in tongues. और कई ऐसे हैं जो अन्य भाषाओं को बोलने का नकल करते हैं. All these activities are very dangerous. और ये सारी बातें बड़ा खतरनाक हैं. The judgment of God can fall upon anyone. क्योंकि परमेश्वर का न्याय तो किसी के ऊपर भी उतर सकता है जो नकल करने का कोशिश. So may the Lord help us. उन्हें परमेश्वर हमारा सहायता. Seek the Lord. परमेश्वर को खोजें. Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाएं. Give yourself to the work of the Spirit in your life. परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए अपने आपको दें. And don't try to imitate or counterfeit anything. और किसी भी बात की नकल करने की कोशिश ना करें. And that such people shall come under the judgment of God. क्योंकि अगर ऐसे लोग परमेश्वर के न्याय के भागी होंगे. Because the Bible says God is not mocked. क्योंकि परमेश्वर इस बाइबल बताता है परमेश्वर का मजाक या ठट्टा कोई नहीं उड़ा सकता. And so let us be genuine. होने दें हम सत्य बनने पाए. A truly Holy Spirit person or filled person will be one mark is he will be humble. और एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति उसका एक चिन्ह ये होगा कि वो दीन होगा. He will not try to project himself that I am so important. वो अपने आप को ऐसे नहीं दिखाएगा कि मैं बड़ा महत्वपूर्ण हूँ, अरे परमेश्वर ने मुझे चुना है. But he will be humble. लेकिन वो दीन होगा. And he give all the glory to Jesus. और वो सारी महिमा प्रभु यीशु को देगा. And lift him up. और उसके नाम को ऊंचा उठाएगा. And draw the attention of people to Jesus. और लोगों के ध्यान को प्रभु यीशु की ओर खींचेगा. This is the work of the Holy Spirit. यही पवित्र आत्मा का काम है. Hallelujah. Hallelujah. May the Lord grant us. उन्हें दे परमेश्वर हमारा सहायता करे. A desire to know the scriptures. कि एक इच्छा हमारे पास हो कि हम वचन को जानें. Everything must be judged. हर एक बात को जांचना है by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा and by the word, और वचन के द्वारा. The word of God is the only standard. परमेश्वर का वचन ही हर एक बात का मापदंड है. The Lord bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष. Let us live by the truth of God's word. होने दे परमेश्वर के वचन के सत्य के अनुसार. Because there are counterfeit. क्योंकि नकल करने वाले लोग भी मौजूद हैं. Because there are hypocrites who imitate. और क्योंकि पाखंडी लोग मौजूद हैं जो नकल करते हैं. This doesn't mean there is no Holy Spirit. इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा नहीं है. There is a Holy Spirit. पवित्र आत्मा है. And those who seek Him. और जो उसके पीछे उसको खोजते हैं, उसको पाएंगे. And those who are willing to be led by the Holy Spirit. और जो पवित्र आत्मा से चलाना जाए चाहते, will be led by the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा उन्हें चलाएगा. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Learn these lessons. इन शिक्षाओं को याद रखें. Next Wednesday we shall meet again. और एक अगले बुधवार को हम फिर से मिलेंगे. And also the Holy Spirit is needed in your own life for you to understand this.
आत्मा की आवश्यकता आपके व्यक्तिगत जीवन में है ताकि आप इस बात को समझने पाएं। So Lord, our holy God, और इसलिए हे हमारे पवित्र परमेश्वर, we thank you for your salvation. हम धन्यवाद करते हैं आपके उद्धार के लिए। We also thank you for sending the Holy Spirit to those and upon those who are saved. और हम उस पवित्र आत्मा का भी धन्यवाद करते हैं जो आपने भेजा अपने लोगों के लिए जो बचाए गए हैं। That the Holy Spirit may guide us. ताकि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे, lead us, हमारे नियंत्रित करे, and enable us to understand the things of God. और हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर की बातों को समझने पाएं. And that we will understand clearly what the Word of God teaches. ताकि हम स्पष्ट रूप से समझने पाएं कि क्या परमेश्वर का वचन सिखाता है. May our hearts yearn for the things of God. और होने दें हमारे हृदय परमेश्वर की बातों के लिए भूखे होने पाएं. And only the Holy Spirit can reveal to us whatever the Holy Spirit meant when He enabled people to write these. और सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमारा सहायता कर सकता है समझने के लिए कि पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता था अपने वचन के द्वारा. May all of us be men and women, boys and girls, young men and young women of the truth of God's word. होने दे हम में से हर एक परमेश्वर के वचन के प्रति सत्य रहने पाए. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. Bless your people. अपने लोगों को आशीषित कर. Enlighten us. उन्हें हमें प्रकाशित कर. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you, my brothers and sisters. परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे भाइयों और बहनों. Young people. जवानों. Learn the scriptures. वचन को सीखिए. So God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष. Amen. Amen.